ZeeGnition के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम ZeeGnition शनिवार को रात 10 बजे आता है और रविवार को शाम 6:30 बजे। लेकिन अगर किसी वजह से आप ये प्रोग्राम मिस कर जाते हैं तो YouTube पे हमारा चैनल है ZeeGnition, जिस पर आप इस प्रोग्राम को अपने मन मर्जी अपने टाइम पर देख सकते हैं। ये जो हफ़्ता था ये लॉन्चेस के मामले में थोड़ा सा ठंडा था, कुछ ज़्यादा रिव्यूज़ इसलिए इस हफ़्ते आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये हफ़्ता बेहद खास था। जी हाँ, सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, इंडियन इकॉनमी के लिए भी ये हफ़्ता बेहद खास था। आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ GST की, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको राज्यसभा से इस हफ्ते मिली मंजूरी। यह हफ्ता सिर्फ ऑटो सेक्टर के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहद खास था, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। अब इंतजार है तो 50% बहुमत के साथ स्टेट असेंबली से इसके पास होने की और उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी की। अप्रैल 1, 2017 की डेडलाइन मुश्किल जरूर दिखती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। चलिए जरा समझ लेते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए इसमें क्या है। जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए है वो यह है कि हम कहाँ से अपने रॉ मटेरियल खरीदें, कहाँ हम अपनी गाड़ियाँ बेचें, कहाँ हम वेयरहाउस लगाएं, कहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग लगाएं। इन सब का जो डिसीज़न है वो डिसीज़न टैक्स के बेसिस पर नहीं होगा, क्योंकि GST के अंडर कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने सप्लाई चेन को और अपनी सेलिंग प्रोसेस को काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हैं, और हमारा जो कंप्लायंस का ओवरलोड है, जो कंप्लायंस की दिक्कतें हैं, वो कम हो जाएंगी। GST के लागू होने से ऑटो इंडस्ट्री को बेहद फायदे हैं। सबसे पहले तो बात उस फायदे की करती हैं जो हमारे और आपके लिए। जी हाँ, गाड़ियों की कीमतें कम हो सकती हैं। GST का मकसद राज्यों के बीच मौजूद टैक्स स्ट्रक्चर को हटाकर एक सिंगल मार्केट क्रिएट करना। अगर प्रपोज टैक्स 18-20% रखा जाता है तो गाड़ियों की कीमत में बदलाव लाजमी है। हाँ, ये बात जरूर देखने वाली होगी कि कहीं छोटी और बड़ी गाड़ियों के बीच में डुअल टैक्स स्ट्रक्चर ना डाल दिया जाए। इस बात को ज्यादातर सभी कंपनियों ने माना कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इससे काफी सुधार आएगा, GDP में भी ग्रोथ दिखेगी और साथ ही साथ लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अच्छे वॉल्यूम की उम्मीद। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, कुछ परेशानियां भी हैं जिनको लेकर ऑटो इंडस्ट्री अभी असमंजस में है, जैसे कि डबल टैक्सेशन, वैल्यूएशन, क्रेडिट सप्लाई या फिर स्टॉक इन हैंड की समस्याएं। आंकड़ों के हिसाब से 2020 तक गाड़ियों की सेल्स 5 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है, और ऐसे में GST इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है।